अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं फ्लाई लेफ्टिनेंट हसन एयरपोर्ट से रिटायर्ड हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ। यहाँ अबू धाबी में मफरक में सिक्योरिटी को तालीम दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगभग दो महीने के नज़दीक है, जब डॉक्टर फेम साहब सऊदीया जा रहे थे उमरा के लिए, उस वक्त मेडिसिन ली थी। तो तकरीबन विद इन 2 मंथ जो है ना, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है। अभी 74 से 108-110 तक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इंशाल्लाह प्रेस जारी रखेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा है कि प्रेस जारी रखें और उससे इंशाल्लाह बहुत जल्दी फाका हो जाता है। तो उम्मीद है कि अभी इंशाल्लाह आपको जो है ना सारी जो पहले जब आपने दवा शुरू की थी, जब अंग्रेजी दवाएं खाते थे आप? मैं तकरीबन 2 कैप्सूल खा रहा था डायबिटीज़ के सुबह और शाम के टाइम पे, वो बिल्कुल मेडिसिन छोड़ दी है अभी सिर्फ। उन दवाओं के साथ शुगर कितनी रहती थी आपकी? वो तकरीबन पहले 250-270 ऐसी रहती थी। तो अभी जैसे ख़त्म की है तो उसके बाद अभी नॉर्मल। अब अंग्रेजी दवाओं से भी जान छूट गई, शुगर भी कंट्रोल हो गई, वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे भी आएगा, मेरे पुलिस वाले भाई से पहले एक क्लेम करता हूँ मैं। क्लेम ये है कि जब आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो सिर्फ ग्लूकोमीटर में और लेबोरेटरी टेस्ट में शुगर कंट्रोल आती है, जबकि पेशाब का ज़्यादा आना, कमजोरी होना, काम में दिल नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चेहरे पर बद रौनक आ जाती है, मर्दाना कमजोरी, दीगर कमजोरियां भी हो जाती हैं, हाथ पैरों में दर्द, बहुत सारी चीज़ें। क्या इस 1-1.5 महीने में किसी ने आपको टोका कि पहले से ज़्यादा जवान लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, उम्र से कम दिखाई दे रहे हैं, पेशाब कम आ रहा है, और ये जो बातें मैंने की इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ऑफिस में गया हूँ तो आपने जो कोलीग्स हैं उन्होंने बोला क्या भाई आपके चेंज आ रहा है, चेहरे में शादा भी आ रही है, और काफ़ी सारे लोगों ने उन्होंने कहा कि क्या चेंज है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है तो चल रहा है निज़ाम। दोबारा हम डॉक्टर फहीम साहब के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान की सलामती दे, दुआ करें बस। मदीना शरीफ में आके जीसस से बुलाते रहे, जिंदगी का मकसद यही है। इस हवाले से आप बताएं कि आपका कैसा रहा है ये वाला एक्सपीरियंस? ये पेशाब भी मुझे 1-2-3 टाइम में रात को उठता था, वो भी क्लियर होगा, अभी जो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। मुँह का जायका मेरा जो मुँह सूख जाता था, अब वो भी बेहतर है तो चेंजिंग भी। मैं खुद सुबह जब यूनिफॉर्म वगैरह करके जब अपने आप को चेक करता हूँ, जवान लग रहा था, चेंजिंग आई है। और मेरे कोलीग भी कह रहे थे, पुलिस का जवान आ गया, सारे कह रहे थे कि माशाल्लाह कुछ आप क्या खा रहे हैं। तो बस ये चीज़ की निशानी होती है कि ये जो हर्बल हमारी दवाएं हैं ये लबलबा पेनक्रियाज पे काम कर रही हैं। ये सिर्फ ग्लूकोमीटर में या लेबोरेटरी टेस्ट में शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, यानी ये दिखावे का बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। कि आप मिसाल के तौर पे, मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, हमें नहीं पता, जैसे कराची शहर में होता है ना खबरों में, अच्छा अच्छा बताया, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, कि खबरों में बताया जाता है भाई सब खुशल मंगल है, कराची शहर के हालात बहुत बदल गए, MTM पे पाबंदी लग गई है, मगर ऐसा नहीं है। मैं कराची का शहरी हूँ, अब कराची के हालात पहले से ज़्यादा ख़राब है, बस हड़ताल नहीं होती। पहले हड़ताल होती थी मगर हम भत्ता नहीं देते थे, हमें फायरिंग करके मारा जाता था, मगर वो मखसूस लड़ाइयाँ थी, ये नहीं था कि एक मोबाइल और एक पर्स के लिए जान जाती थी, आप भत्ता नहीं दो तो जान जाती है। अब हालात बहुत ख़राब है, अब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है आप लेके बाहर नहीं निकल सकते, तो खबरों के अंदर तक ठीक है। तो ये अंग्रेज़ी दवा जस्ट लाइक मुस्बत रिपोर्टिंग जो कही जाती है ना, कि भाई मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, असल जो हालात है वो नहीं बताने। तो हमें देखें, अल्लाह ताला ने, मेरा ये कहना है, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में 12 बड़ी फैक्ट्रियां और छोटी लादादार फैक्ट्रियां बनाई हैं दवाएं बनाने की। कई दफ़ा बचपन से ऐसा हुआ होगा, आपको बुखार हुआ, आपके पाँव में कील घुस गई, कांटा घुस गया, आप गिर गए, चोट लग गई, आपने दवा भी नहीं ली, डर के मारे घर वालों को बताया भी नहीं, आप ठीक हो गए, तो आपने तो कोई दवा नहीं खाई, आपने तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। तो अल्लाह ताला ने जो फैक्ट्री बॉडी में बनाई हुई है वो काम करती है, उस मुकर्रर जगह पर पहुंच के आपको ठीक करती है। मगर जब हम अंग्रेजी दवा खाते हैं आपकी बॉडी सुन हो जाती है, मुतालिका मर्ज, मुतालिका जगह, वो पैथोजिन, वो ऑर्गन, वो टिश्यू, वो सेल नहीं बता पाते आपके CNS को कि ये मर्ज हो गया है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है। मेरा ये मानना है दर्द अल्लाह ताला की नेमत है,
दर्द नहीं होगा तो माँ बच्चा नहीं जन सकती, दर्द नहीं हो हार्ट अटैक का नहीं पता चलेगा, गुर्दों में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, ये मैसेजिंग है, ये इंडिकेटर्स है। तो ये रबता मुनकता कर देती है अंग्रेजी अद्वियात। तो हम उस रबते को बहाल करते हैं और जो कुदरती फैक्ट्री है उसको ताकत देते हैं ताकि कुदरती इंसुलिन बने, आपका पेनक्रियाज, लबलबा और जितनी भी बीमारियां हैं वो कुदरती तौर पर ठीक हो जाए। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है, आप लोग मौजूद हैं, यह रिवॉर्ड है। तो वीडियो बनाने का मकसद चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना है, पैसे हजार तरीके से कमाए जा सकते हैं, झूठ धोखा कोई मसला ही नहीं है। ये एक कार खैर है, एक जहाद है इस वक्त कि ये मूजी अमराज के खिलाफ हम एक जंग लड़ रहे हैं। आपने इसमें सपोर्ट करनी है दुआओं से, लाइक शेयर सब्सक्राइब से भी दिल करें और लोगों को भी बताना है अगर आप समझते हैं। मैं ये कहता हूँ नबी करीम की हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत में खैर क़यामत तक रहेगी। तो अगर आपने ये दुआ करनी है, या अल्लाह आका जी ससम की इस दुआ को देखते हुए जहाँ उम्मत में खैर है ना मुझे वहाँ ले जा। और आका जी ने फरमाया कि क़यामत तक, जब तक क़यामत का नुज़ूल ना हो जाए, हर बीमारी की शिफा है, जिस दिन क़यामत होगी उस दिन सब मरेंगे, बीमारियाँ होंगी लाइलाज और फिर कोई ठीक नहीं होगा, फिर बीमारियाँ लगेंगी, मगर अभी वो वक्त नहीं है, अभी बीमारियों का इलाज मौजूद है। तो या अल्लाह जहाँ इलाज मौजूद है हमें मान लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।